मैं अमलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ नाउन। नाउन मराठी में उसे नाम कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम नाउन नाम, फिर सर्वनाम, फिर विशेष नाम, भाववाचक नाम, पता नहीं कितने सारे नाउन्स है। तो प्लीज़ हमें सिखा दीजिए और हमारे डाउट सारे क्लियर कर दीजिए। तो भाई चलो, मेरे बच्चों ने कहा तो मैं आ गई हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए नाउन्स। ओके, लेकिन इसके पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, लेसन्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स, निबंध, पत्र, कथा, कहानी, एवरीथिंग इज अपलोडेड। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा फर्स्ट से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक। ओके, तो अभी हम लोग सीखते हैं नाउन। नाम यानी नाउन होता है, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, गुण यांच्या नावांना नाम असे म्हणतात। व्यक्ति मीन्स पर्सन, वस्तु यानी चीजें थिंग्स, गुण यानी क्वालिटी। ओके, अभी एग्जाम्पल लेंगे ना तो समझ में आएगा तुम लोग को। यांच्या नावांना नाम असे म्हणतात, इनके जो भी नाम होते हैं ना उसे नाउन कहते हैं। यात प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या व न दिसणाऱ्या वस्तूंचा समावेश होतो। अभी इसमें जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी चीज़ें आती है, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ें भी इसमें आते हैं। उदाहरणार्थ बदक, तलाव, मोर, पिसारा, कड़ू, प्रेम, राग, नाम म्हटल्यावर त्यात व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु इत्यादि गोष्टी येतात। अभी इसमें क्या है, बर्ड्स भी आए, एनिमल्स भी आए, जगह के भी नाम आए, ठीक है, टेस्ट भी आए, टेस्ट देखो कड़ू, तो इस तरह से इस सब में इंक्लूडेड है। ओके, एनी विजिबल एंड नॉन विजिबल थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड अ नाउन। नाउ खालील चित्रे पहा व त्यांची योग्य नावे लिहा। अभी यहाँ पर हमें पिक्चर दिया है इन लोगों ने, तो ये क्या है, बदक है ना। तो अभी चित्र देख के हमें यहाँ पर नीचे नाम लिखने हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ पे बदक, मुलगी, इंद्रधनुष, बेडूक, पाउस, छतरी, चेंडू, कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ब्रैकेट में नाम दिए थे, हम लोगों ने हर एक चित्र के आगे वो नाम लिख दिए। ओके, नाउ वरील सर्व चित्रे आपल्या परिचयाची आहेत। परिचयाची मीन्स नोन। ओके, हमें पता है ऐसी है, त्यांची नावे म्हणजे नाम होत। अभी उनके जो भी नाम हम लोगों ने अभी लिखे हैं वो क्या है, नाउन है, नाम है। नामाचे प्रमुख प्रकार, अभी नाम के तीन प्रमुख प्रकार है। एक है विशेष नाम, विशेष नाम यानी प्रॉपर नाउन। सामान्य नाम मीन्स कॉमन नाउन, एंड भाववाचक नाम मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अभी मैं कैसे पता करेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशेष नाम। ज्या नामाने जातीचे ज्ञान होत नाही पण त्यातील एखादी विशिष्ट व्यक्ती, प्राणी किंवा वस्तूचे ज्ञान होते त्यास विशेष नाम असे म्हणतात। अभी विशेष नाम मीन्स क्या होता है, प्रॉपर नाउन मीन्स वी आर सेइंग अ पर्टिक्युलर थिंग और अ पर्टिक्युलर पर्सन। ओके, अभी जैसे मैं अगर आप ऐसे समझो कि आपका नाम है क्या, हर्ष, ठीक है, तो हर्ष जो है वो एक बहुत ही गुड बॉय है, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पर्टिक्युलरली मेंशन किया है हर्ष को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मीनाक्षी प्रॉपर नाउन, सूर्य प्रॉपर नाउन, मैं सूर्य बोले तो मैं सूरज ही बोल रही हूँ। मोर, पिसारा, पिसारा पिकॉक का मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, मोर का पिसारा है, ठीक है, किसका पिसारा, किसका है, मोर का है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया इत्यादि। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग्स, ठीक है। ये प्रॉपरली हम लोगों ने मेंशन करके जो कहा हुआ है वो हो गया प्रॉपर नाउन मीन्स विशेष नाम।
ओके नाउ टू सामान्य नाम. सामान्य नाम मीन्स कॉमन, कॉमन फॉर ऑल. जैसे मैंने कहा सिटी, मैंने मेंशन किया कौन सी सिटी, नाम मेंशन किया मैंने नहीं, मैंने सिर्फ कहा सिटी. मैंने सिर्फ कहा लेक, मैंने कहा कहाँ का लेक है नहीं कहा, तो ये क्या हो गया कॉमन, कॉमनली बोला मैंने. ओके तो ये हो गए सामान्य नाम मीन्स कॉमन नाउन. एकाच जातीच्या सर्व वस्तूंना त्यांच्यातील सारखेपणामुळे किंवा समान गुणधर्मामुळे जे नाव दिले जाते त्याला सामान्य नाम म्हणतात. ठीक आहे, अभी मैं विलेज बोल रही हूँ, तो नॉर्मली जो विलेज होते हैं छोटे होते हैं, वहाँ पे लोग कम होते हैं, है ना, वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करती है. ठीक है, मैंने पर्टिकुलर जगह का विलेज बताया कि आपको नहीं, विलेज मीन्स कोई भी विलेज हो सकता है, कहीं का भी विलेज हो सकता है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटी होते हैं ना, तो विलेज यानी कोई भी विलेज. सिटी मीन्स कोई भी सिटी, वो बम्बई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कुछ भी हो. सिटी की सिमिलैरिटीज़ क्या है, मैंने सिटी कहाँ है. आजकल सिटीज़ में बहुत सारे पॉपुलेशन हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, वॉट एवर, तो क्या हो गया, मैंने कॉमनली बोला है ना. तो इस तरह से तो वहाँ की कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, लेकिन हम लोग ने इस पर नाउन मेंशन नहीं किया, नाम मेंशन नहीं किया है, इसके लिए वो है सामान्य नाम मीन्स कॉमन नाउन. वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे अभी लोगों ने कैसे दिया, देखो हम लोग को कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर एनी पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड एंड थिंग. ओके दैट इज सामान्य नाम, कॉमन नाउन. ठीक है, हिंदी इंग्लिश एंड मराठी भी समझ में आ जाएगा ना, इतना भी तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ कॉमन नाउन इज दिस, सामान्य नाम होता है. ठीक है, तो इससे भी आप लोग सीख सकते हैं इजीली. नाउ नेक्स्ट इज अ भाववाचक नाम. व्हाट इज भाववाचक नाम, मीन्स ज्या नामामुळे प्राणी किंवा वस्तूतील गुणधर्म किंवा भाव यांचे ज्ञान होते त्याला भाववाचक नाम असे म्हणतात. अभी जो भी प्राणी है, एनिमल चीज़ें है, उसमें एक पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होती है ना, तो वो हिसाब से हम लोग उसे मेंशन करते हैं, तो उसे भाववाचक नाम कहते हैं, उसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं. ठीक है, तो जैसे उदाहरणार्थ शांति, हाँ ये बहुत शांत स्वभाव का है. हुशारी, इंटेलिजेंट, चातुर्य, स्मार्ट, होशियार, ऐसे, यस, चातुर्य इत्यादि. नाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ क्वालिटी, स्टेट और द कंडीशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके क्लियर हो गया ना. विशेषणाम यानी प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग पर्टिकुलरली मेंशन करके बोलते हैं, जैसे मोरा चा पिसारा मेंशन किया हम लोगों ने, पिसारा बोला क्या खाली, पिसारा किसका भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा मोरा चा पिसारा, तो हम लोगों ने मेंशन किया इसमें. उसके बाद है सामान्य नाम. सामान्य नाम मीन्स जनरली हम लोग जो बोलते हैं, शहर, गांव, तालाब, जो भी है, खेड़े. ठीक है, तो वो क्या हो गया कॉमन नाम. चप्पल, कोई भी चप्पल हो सकती है ना, चप्पल बोला मैंने तो कॉमन नाम. ओके और उसके बाद है भाववाचक नाम, जिससे हम लोगों को उसमें का गुणधर्म जो होता है वो समझ में आता है. ठीक है, तो अभी नीचे इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिया है प्रश्न. पहला, खालील नामांचे विशेष नाम, सामान्य नाम व भाववाचक नाम असे गट करा. क्लासिफाई द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट देम अंडर द प्रॉपर नाउन्स. अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमें दिया है पिसारा, आभाळ, कापूस, तळे, खड्डा, कमान, सोंड, फळी, अननस, कमळ, सूर्य, बेडूक, शांती, चंद्र, मैत्री, ममता, ओलावा, गोड़ी. तो भी इसमें से सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग विशेष नाम. तो इसमें के विशेष नाम कौन से है, प्रॉपर नाउन कौन से है. तो
अनानास, कमल, सूर्य, बेडुक, बेडुक यानी फ्रॉग। ओके, पिसारा, तले, कमान, सोंड, फळी, अननस, कमळ, अननस, कमळ, सूर्य, बेडूक, चंद्र। चंद्र यानी मून। ओके, अभी सामान्य नाम कौन से है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आएगा पिसारा, आभाळ, कापूस, तळे, खड्डा, कमान। तो चलो हम लोग लिखने का स्टार्ट कर देते हैं। पिसारा, आभाळ, कापूस, यानी कॉटन, क्वामा तळे मीन्स लेक। उसके बाद एक खड्डा, खड्डा के बाद एक कमान, दीज ऑल आर कॉमन नाउन, सामान्य नाम मीन्स कॉमन नाउन। सोंड, फळी, यस। तो ये इतने क्या हो गए, सामान्य नाम। अभी हम लोग देखते हैं भाववाचक नाम। ओके, तो अभी इसमें यहाँ पे देखो क्या भाववाचक, भावना जिससे प्रकट होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इज शांति। शांति यानी पीसफुल, शांत बोलते ना एकदम ऐसे। वो लड़की का नाम होता है शांति, लेकिन यहाँ पे लड़की का नाम नहीं दिया है। ओके, उसके बाद है मैत्री, ममता। ममता भी लड़की का नाम होता है, लेकिन माँ का प्यार जो होता है, दुलार जो होता है, उसे ममता कहते हैं। ओलावा, ओलावा यानी ओलावा देखना पड़ेगा मेरे को, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है कभी कभी। गोड़ी मीन्स स्वीटनेस। ओके, तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्या किए, इन लोगों को डिवाइड किया विशेष नाम, सामान्य नाम एंड भाववाचक नाम में। एंड आई होप इसके लिए तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बाबा जी लाए लड्डू दिए, हमने खाए और पेट भर के डकार दे दिया, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीड करने पड़ेंगे। रीड करते समय ऐसे ही दिमाग में लाना पड़ेगा, अरे हाँ ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सामान्य नाम में आता है, फिर ये कॉमन नाउन आता है, सॉरी विशेष नाम है, ये जो शब्द है ये भाववाचक शब्द है। ऐसे हमें अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते भी करेंगे ना, तो भी हमारी बहुत सारी पढ़ाई उसमें हो जाती है। और हम लोग क्या होता है, स्पेशली हम लोग भूलते नहीं हैं उसको, ठीक है, याद करते थे, रिविज़न भी होते रहता है उससे, ठीक है। इसके लिए रीड करना जरूरी है। प्रश्न दूसरा, खालील शब्दांना पणा हा शब्द लावून भाववाचक नाम तैयार करा। अभी भाववाचक नाम हमें तैयार करना है, तो उसमें हमें क्या लगाना है, पणा लगाना है। यहाँ पे इन लोगों ने हमें शब्द दिए हैं, उसे हमें पणा लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भित्रा मीन्स भित्रे पणा। इसके लिए तुम लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है,
रीडिंग करने की ज़रूरत है, बुक्स पढ़ा करो तुम लोग, तो ही आएगा वरना नहीं आएगा स्ट्रेट वे। जिंदगी भर यूट्यूब ढूंढते बैठोगे ना तुम लोग तो भी नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। उसके लिए तुम लोग को रीड ही करना पड़ेगा, तो ही वर्ड्स मिलेंगे, तो वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिंपल। अभी शब्द है आपला, तो आपला को हम लोग कैसे लिखेंगे, आपलेपणा। अपना और अपनापन कैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही आपला यानी, और इसका आएगा भाववाचक नाम आपलेपणा। नम्र, नम्रपणा, नम्रपणा। सवाल समझोगे ना तो जवाब लिख पाओगे, सवाल ही नहीं समझोगे तो जवाब नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन मोठा, मोठा का आएगा मोठेपणा, लहानपणा, लहानपणा, उसके बाद शहाणा, शहाणपणा, शहाणपणा, वेड़ा, वेड़ेपणा। समझो, रट्टा मत मारना, नाजुक, नाजुकपणा। ओके, नाउ प्रश्न तीसरा। खालील शब्दांना ता हे अक्षर लावून भाववाचक नाम तयार करावी, ता लगाना है हम लोग को। ऐड ता टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक ऐब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। चपळ, चपळता, सुरक्षित, सुरक्षितता, सम, समता, एक, एकता, एकता मीन्स यूनिटी, उदार, उदारता, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने शब्द को भाववाचक शब्द बनाए ता जोड़ के। उसके बाद प्रश्न चौथा, खालील शब्दांना ई हे अक्षर लावून भाववाचक नाम तयार करा। Add E to the following words and make abstract nouns. तो यहाँ पर इन लोगों ने हमें शब्द दिया है, उसे हम लोग को भाववाचक बनाना है, जैसे उंच, उंची, रुंद, रुंदी, खोल, खोली, मानुस, मानुस की, गरीब, गरीबी, श्रीमंत, श्रीमंती। तो इस तरह से आपको E लगा के उसे कंप्लीट करना है, भाववाचक बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को कैसे दिया है इन लोगों ने प्रश्न पांचवा, खालील शब्दांना गिरी हा शब्द लावून भाववाचक नाम तयार करा। ऐड गिरी टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे शब्द है दादा, दादागिरी, फसवा, फसवेगिरी, काम, कामगिरी। तो हमें इस तरह से लिखना है दादागिरी, फसवेगिरी एंड कामगिरी, ओके। अभी आगे इन लोगों ने हम लोगों को दिए है प्रश्न सा, खालील विशेषनामांचा वाक्यात योग्य ठिकाणी उपयोग करा। यूज द करेक्ट प्रॉपर नाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नाउ एक, अभी इस सेंटेंस क्या दिया, सूर्य, चंद्र, हिमालय, गंगा, ताजमहल, तो इसमें का करेक्ट कॉमन प्रॉपर नाउन हम लोग को सिलेक्ट करके, विशेष नाम सिलेक्ट करके हम लोग को लिखना है। आपणास रात्रि आकाशात
सॉरी आपण रात्री आकाशात काय पाहतो, चंद्र पाहतो। रात के समय में मून दिखता है ना हम लोग को। दोन, भारताच्या उत्तर दिशेला टिंब पर्वत आहे, कौन सा पर्वत है, हिमालय, हिमालय। डैश नदी पवित्र आहे, ती आमची माता आहे, कौन सी नदी, गंगा। इसके बाद चार, डैश संगमर संगमरवराचा मीन्स मार्बल तैयार केला आहे, मार्बल से कौन सा बनाया गया है, ताजमहल, करेक्ट। ताज महल बनाया गया है संगमरमर कहते ना उसको, संगमरवराचा। पांच, डैश सर्व जगाला प्रकाश देतो, कौन है जो सारी दुनिया को लाइट देता है, सूर्य। ओके, और अभी ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, तुम लोग क्या करते हो ना, लिखते समय एक तो जल्दबाजी बहुत करते हो, और फिर सूर्य का उकार कैसा है, रफार कैसा है, वो कुछ देखते नहीं हो, तुम लोग जल्दबाजी करते हो और उसके लिए तुम लोग के मार्क्स जाते रहे थे, नहीं करना है तुम लोग को। ओके, उसके बाद है सात, खालील गोलातील शब्दांना शेजारच्या माळेतील योग्य मणी लावा, नवीन शब्द तयार करा, ॲड दी करेक्ट लेटर फ्रॉम दी नेकलेस टू दी वर्ड्स इन दी सर्कल टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, अभी जैसे ओल का ओलावा गीलापन होता है, वो जैसे अभी इसमें के हम लोगों को ये जो माला दिए ना इसमें, और इसमें जो शब्द लिखे ई मड़ वा ताड़ू, तो इनके एंड में हमें इसे लगाकर प्रॉपर एक शब्द तैयार करना है, नया शब्द तैयार करना है। जैसे आई थिंक माया का मायाड़ू आएगा, कष्ट कष्टाड़ू, गोड़ गोड़वा, लहान लहान। तो जैसे देखो मैंने भी यहाँ पे तुम लोग को लिख के दिया है, मायाड़ू, कष्टाड़ू, गोड़वा, लहानता, चपड़ाई, मोठे मळ। ओके, आई थिंक आई एम राइट। ओके, नाव प्रश्न आठवा, खालील सामान्य नामांचा वाक्यात योग्य ठिकाणी उपयोग करा, सामान्य नाम मीन्स कॉमन नाउन। ओके, नाव यूज दी करेक्ट कॉमन नाउन फ्रॉम दी ब्रैकेट्स इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो। अभी कमान, कापूस, खड्डा, फई, सोंड, इसमें के प्रॉपर वर्ड्स हमें इन सेंटेंस में लगाने हैं। जैसे एक, हत्तीची डैश खूब बलवान असते, तो हत्ती को क्या होती है, सोंड होता है, सोंड, ट्रंक ऑफ एलिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दोन, पाण्यात डैश तरंगत होती, क्या फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर, तरंगणे म्हणजे फ्लोट करणे, तो फळी। तीन, डैश पांढरा आहे, व्हाइट है, क्या व्हाइट है, कापूस, कापूस मीन्स कॉटन, पांढरा आहे। चार, देवळासमोर डैश तयार केली आहे, आर्क मीन्स कमान, तयार केली आहे। पाच, डैश पाण्याने भरून गेला, काय पाण्याने भरून गेला, तर खड्डा, खड्डा पाण्याने भरून गेला। ओके,
उसके बाद इन लोगों ने प्रश्न नववा में खालील वाक्यातील नामे ओळखा अधोरेखित करा व लिहा. नीचे आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन देम एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अभी एक हेलो काका मी संजू बोलतोय. तो अभी इसमें हम लोग को क्या लिखना है, नाम लिखना है कि कौन से, अंडरलाइन भी करना है और हम लोगों को यहाँ पे लाइन में लिखना भी है. तो अभी इसमें हेलो काका जो है नाउन है, संजू नाउन है, ठीक है. तो ये हमें यहाँ पे लिखना है काका संजू, ठीक है. आजी तुम्ही या जागेवर बसा. आजी ग्रैंड मदर जागेवर प्लेस. दिनेश हा गुणी मुलगा आहे. दिनेश मुलगा. ओके नाव प्रश्न दहा. खालील वाक्यात योग्य नामे लिहा. राइट द करेक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डैश हा माझा जीवलग मित्र आहे. मेरा बहुत ही नियर क्लोज फ्रेंड है. तो आपका जो भी क्लोज फ्रेंड है उसका नाम लिखो. अगर उसका नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सिंपल नाम लिखो जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. राम, रमा, उमा, हसन, कमल, ठीक है. ऐसे नाम लिखो जिससे गलतियाँ न हो, वरना जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखो, ठीक है. वरना मिस्टेक्स हो जाएंगे लिखने में. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम होगा ना, मीनाक्षी बोलो, अथर्व बोलो, तो लिखते समय प्रॉब्लम हो जाता है. आर्यन बोलो, तो ये गलतियाँ कर सकते हैं हम लोग लिखने में जिससे अपने मार्क्स जा सकते हैं. अभी टू माझ्या दफ्तरात. इट मीन्स इन माई बैग, मेरे बैग के अंदर, आपके बैग के अंदर, ठीक है. आपके डैश 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 या वस्तु आहेत. काय काय वस्तु, काय वस्तु आहेत. वया नोटबुक्स, पुस्तके, टेक्स्ट बुक्स, कंपास, या वस्तु आहेत. अभी यहाँ पे प्रश्न 11 खालील भाववाचक नामांचा वाक्यात योग्य ठिकाणी उपयोग करा. यूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. तो यहाँ पर सेंटेंस भी हम लोग को समता एक ही माणूस की फसवेगिरी श्रीमंती. एक मित्रांमध्ये एक ही पाहिजे, है ना. यूनिटी चाहिए ना, उन लोगों में एकता चाहिए. जेथे डैश आहे तेथे प्रेम आहे. जेथे समता आहे तेथे प्रेम आहे. सावकाराची खूप श्रीमंती आहे पण तो दयाळू आहे. डैश हा जगातील महान धर्म आहे. कोणता, माणुसकी, ह्युमनिटी, इन्सानियत. हा जगातील माणुसकी हा जगातील महान धर्म आहे. पाच डैश करून पैसे मिळवणे हे पाप आहे. फसवेगिरी करून पैसे मिळविणे हे पाप आहे. चीटिंग करके पैसे मिलाना ये क्या है, पाप है, ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने नाम सीखा, नाम के प्रकार सीखे कैसे होते हैं, उसको सॉल्व भी किया, उसके एग्जांपल्स भी लिए हम लोगों ने, ठीक है. आई थिंक आपको अभी अच्छे समझ में आया. एक बार समझ में नहीं आया तो दो बार देखो, दो बार नहीं आया तो तीन बार देखो, तीन बार नहीं आया तो चार बार देखो, पांचवी बार 101% समझ में आ जाएगा. रीडिंग करना टेक्स्ट बुक आप लोग को कंपलसरी है. उसमें कोई इफ एंड बट या कोई चॉइस या कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोगों को. अगर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो रीड करना सीखो, ठीक है. और ये सॉल्व करना आप लोग सब. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी. और अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सर्वनाम प्रोनाउन, ओके. तो
आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, ताकि लाइव स्ट्रीम में जो भी मैं आपको सिखाऊंगी वो आपको सीखने को मिलेगा मेरे साथ, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे ऑन दी स्पॉट। ठीक है।